ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के यूरोलॉजी विभाग में प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस अंक में सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे, जैसा कि आपने सुना, मूत्र रोग विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप कुमार। उम्मीद करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं से आज के इस कार्यक्रम में आप इससे संबंधित भी सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर आपके यूरोलॉजी से संबंधित किसी तरह के कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोरोना से संबंधित सवाल तो आप पूछेंगे ही, यह हम जानते हैं। इसके अलावा आप हमारे आज के इन विशेषज्ञ से इन सवालों को पूछकर अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। बहरहाल, जो कोरोना की स्थिति है इस समय देश में, वो लगातार कम होती जा रही है, और अगर यूं कहें कि भारत में कोरोना ने अब दम लगभग तोड़ ही दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनपे आप पूछ सकते हैं सवाल हमारे विशेषज्ञ से, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 2342-1764। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 2342-1764। दिल्ली से बाहर के श्रोता है तो 011 लगाना ना भूले। आपके प्रश्नों, आपकी जिज्ञासाओं को एक बार ध्यान में रखते हुए और आपके प्रश्नों का इंतजार करते हुए, आपके फोन का इंतजार करते हुए हम आज का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर अनूप, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सब श्रोताओं को धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी डॉक्टर अनूप, देश में अब कोरोना की स्थिति जो है वो काफी नियंत्रण में आ चुकी है। अगर हम मरीजों की बात करें तो बहुत ही कम मरीज आने लगे हैं, और लगभग अब सभी तरह के जितनी भी प्रतिबंधित चीजें थी उन सब को जो है, उन सब से अब प्रतिबंध हटा लिया गया है। लेकिन क्या इसके बावजूद भी कहीं एक ऐसा डर है कि हम फिर दोबारा से कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई डर ही नहीं कि थर्ड वेव हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, और 1000 से 2000 केसेस आ रहे हैं पर डे, और ऐसा और कई देश भी हैं जहां पर ये वेव आके खत्म हो चुकी है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर नेक्स्ट वेव ऑलरेडी आ चुकी है जी, और उसमें नंबर ऑफ केसेज वहां बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि हम सतर्क रहें। हालांकि रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि रियायतों के साथ साथ सावधानी बरतनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में हमें और सतर्कता बरतनी चाहिए, और जैसे जैसे केसेस हम दूसरे कंट्रीज में सुपरवाइज कर रहे हैं उससे हमें पता लगेगा कि आने वाले टाइम में क्या एक और वेरिएंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसको हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा। बट एक पॉसिबिलिटी है कि एक और वेव आ भी सकती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी वो नेक्स्ट वेव आ चुकी है जी। डॉक्टर, हम कार्यक्रम में और भी बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं आपसे बहुत जल्द से जल्द सवाल पूछना चाहते हैं। हमसे लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे पहले श्रोता दिल्ली से धर्मवीर जी, आइए उनका सवाल सुन लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो दूसरे देशों में जो वायरस फैला हुआ है, तो उसके जो वायरस फैलने के बाद उन लोगों में क्या लक्षण ऐसे निकले हैं जो हम आपको जानकारी में मिले हैं कि इससे हम भी शानदार रहें और उस लक्षणों को ध्यान में ध्यान करें? और दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी 5-7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पहली डोज भी लगाई, तो अभी आज न्यूज में सुना था आधार कार्ड पैन नंबर वो अपना लिंक तो आपको 1000 रूपये का 1 अप्रैल से जुर्माना लगा हो जाएगा जी। सरकार को नहीं चाहिए कि उन्होंने पहली डोज नहीं लगाई और उनके ऊपर ऐसी ही कोई आदेश कि ऐसे लोगों को इंजेक्शन लगाना जरूरी हो जी। डॉक्टर साहब, हमारे इन लिसनर्स का, धर्मवीर जी का एक मूलभूत सवाल यही है, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर नया वेरिएंट आ रहा है तो नए वेरिएंट के जो लक्षण हैं, क्या उन पर भी कोई स्टडी हुई है? क्या कुछ अलग तरह के लक्षण हैं? क्या उस तरह के लक्षण हमारे देश में भी पाए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, जो इस समय वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, जो अभी ब्राजील में आया, अमेरिका में आया और अदर यूरोपियन कंट्रीज में आया,
उसको BA.1 और BA.2 ये दो वेरिएंट थे, तो BA.1 जो था वो हमारा ओमिक्रॉन था, अब ये BA.2 चल रहा है। इसकी जो लक्षण थे, जो हमारी जो अभी थर्ड वेव आई थी, इससे मिलते जुलते ही लक्षण है, कोई ज्यादा डिफरेंट लक्षण नहीं है। और अभी तक ये भी देखा नहीं गया है कि इससे ज्यादा मोर्टेलिटी यानी डेथ हो रही है या ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी पहले से कम है, जो जैसे कि पहले ही थर्ड वेव में भी ऐसा हुआ और फर्स्ट वेव में ऐसा हुआ कि जिनकी इम्यूनिटी कम थी उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा था, यानी जो हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट थे। तो अभी तक जितना भी डाटा आया है हमारे पास, उससे यही पता लग रहा है कि जो भी अब नई वेव आई है उसमें कोई ज्यादा घातक नहीं है एज कम्पेयर टू जो हमारी सेकेंड वेव आई थी, जिसमें बीटा जो हमारा वेरियंट आया था जिसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया था। लेकिन अब भी जो आ रहा है वेरियंट वो माइल्ड वाला आ रहा है जी। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी जो वैक्सीनेशन है वो बड़ा कारगर साबित हुई है। और जो जिन लोगों को थर्ड वैक्सीन यानी कि प्रिकॉशनरी डोज के लिए बोला जा रहा है, तो मेरा अनुरोध है वो प्लीज अब समय रहते लगवा लीजिए, क्योंकि अगर अभी आप लगवाते हैं तो इसका इफेक्ट अगले 6 से 9 महीने तक रहेगा, तो अगला वेरियंट आता भी है तो आप उससे सुरक्षित रहेंगे जी। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से अमरजीत अरोड़ा, ये उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। अमरजीत जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में अब खतरा कितने परसेंट रह गया कोरोना का जी। डॉक्टर साहब, दिल्ली में खतरे की बात कर रहे हैं अब, क्या कुछ दिल्ली में लक्षण हैं या कुछ और कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो दिल्ली में तो केसेस ऑलमोस्ट नील हो गए हैं, बहुत ही कम केसेस हैं, लेस देन 50 केसेस एनेक्डोटल केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो दिल्ली में तो कंडीशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, तो ये अच्छी बात है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सरकार ने सारी रिस्ट्रिक्शन हटा ली हैं और बैक टू नॉर्मल चले गए हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि ये थर्ड वेव तो चली गई है, पर नेक्स्ट वेव के लिए हमें सतर्कता रहनी पड़ेगी और ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही केसेज अगर बढ़ते हैं दोबारा से तो फिर से रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं जी। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज के इस हेल्थ प्रोग्राम यानी स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनूप सफदरजंग अस्पताल के, जो एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई प्रश्न है, चाहे वो कोरोना से भी संबंधित हो सकता है या यूरोलॉजी से संबंधित हो सकता है, आप हमसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर नोट कर लीजिए 2342-1764, नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 2342-1764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर अनूप, मैं यहां आपसे जानना चाहूंगा कि 2 साल लगभग हो चुके हैं, 2 से भी ज्यादा का समय हो चुका है कोरोना से जूझते हुए, और अब कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। क्या आपने इस दौरान कोई इस तरह के पेशेंट, कुछ इस तरह के मरीज देखे हैं जिनको कोरोना हुआ हो या एसिम्टोमैटिक हो और उन्हें यूरोलॉजी से संबंधित यानी मूत्र से संबंधित या इस तरह से संबंधित कोई बीमारी हुई हो? बिल्कुल, ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स आए जो एसिम्टोमैटिक या माइल्डली सिम्टोमैटिक थे जी। उनको पहले से यूरोलॉजिकल कंप्लेंट थी, जैसे किसी को प्रोस्टेट की बीमारी थी, किसी को कैंसर था, किसी को किडनी फेलियर था। तो देखा गया कि ये बीमारी होने के बाद, कोविड होने के बाद, कि हम जानते हैं इसमें जनरलाइज इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पूरी बॉडी में आता है और पूरी बॉडी में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं जी। इसमें ये देखा गया कि उन पेशेंट्स की बीमारी जो है बढ़ गई, इन्फेक्शन जो था वो बढ़ गया, जो कैंसर का वो उनका स्टेज था वो भी एडवांस स्टेज में चला गया, और ये भी देखा कि जो दवाइयां वो ले रहे थे उसका रिस्पॉन्स भी कम हो गया। तो इससे डेफिनेटली एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा उनके पेशेंट के डिजीज पर भी और उसके रिस्पॉन्स पर भी। जैसे जैसे वो कोविड से रिकवर होते गए, जैसे जैसे उनका रिकवरी पूरा खत्म हुआ, जैसे जैसे उनकी बीमारी जो है कंट्रोल में आती थी जी। डॉक्टर, चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। हमारे एक और श्रोता बड़ौद से महेश शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं, आइए उनकी भी जिज्ञासा, उनका प्रश्न सुनते हैं। महेश जी, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलता हूँ जी, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो है बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है और जो है लोग बाग मास्क भी नहीं लगा रहे, और जो है ये बताओ कोरोना कम हो गया है या उसका जोर पूरा है जी? डॉक्टर साहब, हाँ जी, डेफिनेटली इस समय कोरोना काफी बहुत कम हो गया है, ऑलमोस्ट नील हो गया है, और इसीलिए रिस्ट्रिक्शन हटा ली गई है। लेकिन सरकार ने अभी भी ये बोला है, हिदायतें दी हैं कि आप प्लीज
डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहने रखें। मास्क हटाना अभी तक सरकार ने नहीं बोला है हटाने के लिए, तो इसलिए ये आपको सही कह रहे हैं, चिंता का विषय है। पर जनता को सोचना पड़ेगा कि अगर सरकार ने उनको कुछ हिदायतें दी हैं तो उसका पालन करें, क्योंकि तो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए। जी डॉक्टर अरुण, कोरोना के दौरान क्या आपका कभी इस तरह के मरीज से सामना हुआ है जिसको पहले स्टोन और ये सब चीजें नहीं थी जो कि मूत्र रोग से संबंधित है, लेकिन उसके बाद उसको ये सब झेलना पड़ा और अब उसकी स्थिति क्या है, ठीक हो चुके हैं या अभी प्रोलॉन्ग है और लंबा पीरियड चलेगा उनका? ऐसे हमारे पास पेशेंट्स हैं काफी जिनको दोनों किडनी में स्टोन थे, हमने उनको ट्रीटमेंट किया और उनको फॉलोअप में रखने के लिए बोला, लेकिन वो पेशेंट कोरोना जब हो गया स्टार्ट हो गया, रिसेप्शन स्टार्ट हो गई, तो वो नहीं फॉलोअप में आ पाए। उनको इस बीच में स्टोन रिकर कर गया, दोबारा से बन गया, और क्योंकि उन्होंने फॉलोअप नहीं किया तो बीमारी बढ़ती गई, तो उसमें जो कई पेशेंट हमारे पास आए उनकी किडनी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। तो सब ऐसा हमने कई पेशेंट में देखा, तो इससे दो हमें पता लगते हैं इसके पॉइंट्स की। नंबर वन कि कोविड टाइम में कई लोग जो फॉलोअप में नहीं आ सके उनकी बीमारी बढ़ती गई, और दूसरा कोविड की वजह से भी उनकी बीमारी बढ़ गई। तो इसलिए अब जो उस समय तो हालत इतने खराब थे कि कुछ करा नहीं जा सकता था, बट अभी हम सभी अपने पेशेंट्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी पहले अपने ट्रीटमेंट में आ रहे थे वो प्लीज वापस फॉलोअप में आ जाएं और अपना इलाज प्रॉपर कराएं। जी डॉक्टर अनूप, एक जिज्ञासा यहाँ पे मेरी भी है श्रोताओं की तरफ से, हमें जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि एक बार स्टोन का ट्रीटमेंट हो गया फिर स्टोन नहीं होगा, इज इट पॉसिबल, क्या स्टोन दोबारा हो सकता है क्या? एक बार स्टोन बन जाता है तो दोबारा स्टोन होने के चांस आपके 7-10% बढ़ जाते हैं। तो यानी कि एक कहावत है कि वंस यू आर ए स्टोन फॉर्मर यू आर ऑलवेज ए स्टोन फॉर्मर, मतलब ये इसलिए कहा जाता है कि आपकी पॉसिबिलिटी स्टोन बनने की हमेशा रहती है, इसलिए हम पेशेंट को फॉलोअप में रहने के लिए बोलते हैं। सपोज मैंने एक पेशेंट को सर्जरी कर दिया, उसको स्टोन फ्री कर दिया, हम उसको कुछ सजेशन देते हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि आप प्लीज फॉलोअप में हमारे पास आए। शुरू में हम 3 मंथ्स में बुलाते हैं, फिर 6 मंथली बुलाते हैं, ईयरली बुलाते हैं। तो अगर आप फॉलोअप में आते रहेंगे तो कोई ऐसा बीमारी जैसे स्टोन सपोज छोटा सा बना है, हम उसको दवाई से निकाल सकते हैं, बट अगर आप फॉलोअप में नहीं आते हैं तो स्टोन बढ़ते बढ़ते बड़ा स्टोन बन जाता है और वो किडनी को डैमेज कर देता है। जी डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी स्थिति होती है जबकि हम ये मान के चले कि स्टोन अब लाइलाज है, बहुत खतरनाक है और अब सर्जरी की जरूरत है? स्टोन, जब हम किडनी स्टोन की बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो साइज ऑफ द स्टोन और लोकेशन ऑफ द स्टोन। तो अगर साइज आपका लेस देन 1 सेंटीमीटर है किडनी में तो हम फिर भी इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसको हम मेडिसिन या लेजर की हम बात करते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक टू इंट्रोडक्शन, एक तरह का एक नॉन इन्वेसिव तकनीक होता है जिसमें बाहर से रेज आती हैं और स्टोन को तोड़ के निकाल देती हैं यूरिन के रस्ते, तो वो 1 सेंटीमीटर तक के स्टोन में हम कर सकते हैं, चाहे वो किडनी में हो और चाहे वो अपर यूरेटर जो होता है, एक नली होती है किडनी से, उसमें हो अपर वाले पार्ट में। लेकिन कोई स्टोन अगर 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है, तो उसमें हमें सर्जरी करना पड़ता है, क्योंकि उसके अपने आप निकलने के चांस या शॉक टू इंट्रोडक्शन से निकलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जी, तो इसलिए ये साइज और लोकेशन पर डिपेंड करता है कि सर्जरी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, इस चर्चा पे हम दोबारा लौटेंगे। एक श्रोता बहुत देर से हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं, आइए उनका सवाल सुन लेते हैं। गाजियाबाद से सुभाष जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ सुभाष जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी कहिए सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब हम कभी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो न्यूरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी नसों में दर्द हो रहा है, तो इसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं? जी हम न्यूरोलॉजी नहीं, ये यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं। बहरहाल डॉक्टर, हम अपने प्रश्न पे दोबारा, मूल प्रश्न पे हम लौटते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें एक यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए, कौन से ऐसे शरीर में लक्षण होते हैं जब हमें मालूम हो कि ये यूरोलॉजी के डिफिशियंसी है, कुछ प्रॉब्लम है और हमें अब यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये बीमारी के हिसाब से हम सिम्टम्स को बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोन, किडनी स्टोन, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। अगर आपको पेट में दर्द है, साथ में पेशाब करने में जलन हो रहा है, पेशाब बार बार जा रहे हैं आप, या पेशाब में खून आ रहा है, या साथ में उल्टी आती दर्द के साथ, ये सब लक्षण जो है स्टोन के हो सकते हैं। तो अगर ये आपको सिम्टम्स हैं तो आप प्लीज जाके अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। दूसरा,
अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी है जो 50 साल से ऊपर के पुरुष हैं, क्योंकि पुरुषों में ही होता है, उनमें अगर आपको रात में यूरिन करने बार बार जाना पड़ता है, आपको कंट्रोल करने में यूरिन को प्रॉब्लम आ रही है, आपको जब फ्लो पेशाब करने जाते हैं तो टाइम लगता है पेशाब करने में, और पेशाब की जो फ्लो है वो आपको लग रहा है पहले से कम होती जा रही है और करने के बाद लगता है कि खाली नहीं हो रहा है, ये लक्षण जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के होते हैं और ये प्रोस्टेट कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण है तो आप फिर जाके अपने यूरिनिस्ट को दिखा सकते हैं। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा कि अगर आपको पेट में दर्द है और भूख लगना कम हो गया है, आपको वजन कम हो रहा है और पेशाब में खून आ रहा है, ये लक्षण कैंसर के हो सकते हैं और आप जाके तुरंत अपने निकटतम यूरिनिस्ट को दिखाएं। जी डॉक्टर साहब, अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और ये मान के चलते हैं कि सारे हमने टेस्ट करा लिए कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तो इसमें इलाज क्या है और क्या इलाज से ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? बिल्कुल, आजकल साइंस ने तरक्की कर ली है कि हम डायग्नोसिस भी प्रॉपर कर लेते हैं और ट्रीटमेंट भी अगर समय पे हो जाए तो पेशेंट को पूरी तरह क्योर कर लेते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर के हम तीन स्टेज बात करते हैं। ये पहला स्टेज होता है जब कैंसर लोकलाइज होता है, प्रोस्टेट के अंदर ही होता है, उसमें अगर हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो पेशेंट हमेशा के लिए क्योर हो सकता है। फिर सेकंड स्टेज होता है जब कैंसर प्रोस्टेट थोड़ा बाहर आ जाता है लेकिन और किसी ऑर्गन में नहीं जाता है, उसको हम लोकली एडवांस स्टेज बोलते हैं। उसमें हम सर्जरी रोबोट से करते हैं, साथ साथ कुछ बिजली की सिकाई और कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं। उसमें भी हम पेशेंट को 70% से 80% तक ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट स्टेज जब कैंसर पूरे बॉडी में फैल जाता है, उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं होता है, उसमें दवाइयों से ही पेशेंट को ठीक करना पड़ता है, उसमें आपके रिकवरी के चांस 50% तक रहते हैं। जी डॉक्टर अनूप, पुरुषों और महिलाओं में जो मूत्र संबंधी बीमारियां होती हैं या यूरोलॉजी से संबंधित जो भी व्याधियां होती हैं, क्या एक ही तरह की होती हैं या कुछ अलग लक्षण होते हैं? महिलाओं में भी यूरिनरी इन्फेक्शन वही होगा जो मेल्स में होता है। इनफैक्ट महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। इसके कारण है बिकॉज जो फीमेल में जो यूरेथ्रा जहाँ से पेशाब वो करते हैं वो छोटा होता है और वो लैटरिन के रस्ते के पास होता है, जबकि मेल्स में आप देखते हैं कि जब यूरिन हम जहाँ से पास करते हैं वो लैटरिन के रस्ते से बहुत दूर होता है। तो जो हमारा फीकल मैटर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रेवल करके महिलाओं में यूरिन के रस्ते में आ जाते हैं, उनको इन्फेक्शन होता रहता है, इसलिए यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। स्टोन्स भी मेल्स में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि मेल्स ज्यादा बाहर काम करते हैं धूप में या ज्यादा भागदौड़ करते हैं तो पानी की कमी उनको ज्यादा रहती है, तो स्टोन्स भी मेल्स में ज्यादा काम ज्यादा पाए जाते हैं। जो कैंसर्स हैं, किडनी कैंसर हो गया, ब्लैडर कैंसर हो गया, ये भी मेल्स में ज्यादा होता है, ये जेनेटिकली प्रोग्राम रहते हैं। लेकिन जो प्रोस्टेट होता है मैंने बताया वो फीमेल्स में होता ही नहीं है, तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम महिलाओं में नहीं होती। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखेंगे। दिल्ली से एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, अनुभव पांडे, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। अनुभव जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो अनुभव जी लाइन पे नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने रोबोटिक सर्जरी की बात की है, रोबोटिक सर्जरी क्या होती है और इसके क्या फायदे होते हैं और क्या ये जरूरी है या इसके अलावा भी हमारे पास किसी तरह का कोई और स्कोप होता है किसी और सर्जरी का जो हम करवा सकते हैं? रोबोटिक सर्जरी का इजाद किया गया था 2000 के दशक में जी, प्रोस्टेट कैंसर के लिए इसको इजाद किया गया था, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी जो हम अभी बात कर रहे थे, ये प्रोस्टेट ग्रंथि इतने डीप लोकेशन में लोकेशन का है, तो हम डीप पेल्विस बोलते हैं, जो हमारी हड्डियों का ढांचा होता है पेल्विस, उसके अंदर ये ऑर्गन होता है। जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करने जाते हैं, चाहे ओपन से करें, सीरा लगा के, या लैप्रोस्कोपी से करें, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है, स्पेशली जो बड़े हाईली एडवांस कैंसर होते हैं जी। तो रोबोट के मदद से हम क्या करते हैं, जो हाई से हाई रिस्क कैंसर है उसको हम बड़े सूक्ष्म तरीके से, रोबोट के तरीके से, बड़े फास्ट और सेफ तरीके से निकाल सकते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत कम हो जाता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हमें बड़ा इंसिजन लेना पड़ता है, छोटे छोटे की होल इंसिजन से ही हम उस सर्जरी को कर सकते हैं, हमारी जो सूचरिंग की तकनीक होती है वो बड़ी बेहतर और सूक्ष्म हो जाती है, और इसके अलावा पेन पेशेंट को कम होता है। जो आउटकम ऑफ सर्जरी हम मानते हैं मापदंड होता है, एक तो कैंसर का कंट्रोल वो बेस्ट होता है रोबोट से, तो दूसरा होता है कि पेशेंट की कॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब की जो रोकने की क्षमता है वो हम उसको बेस्ट दे सकते हैं जी, क्योंकि लोग उसकी वजह से सर्जरी कराते ही नहीं थे कि पेशाब लीक करता रहेगा तो डर के मारे, लेकिन अब हम उसको
ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति के पास इस तरह की सर्जरी के चांसेस होते हैं, उसको जाना पड़ता है, तो क्या पेशेंट से पूछा जाता है कि वो रोबोटिक सर्जरी कराना चाहता है या आमतौर पर जो सर्जरी होती है वो कराना चाहता है? नहीं, डेफिनेटली जब रोबोटिक सर्जरी जो है एक ऑप्शन है, हम पेशेंट को डिस्कस, हमारा काम होता है पेशेंट को सारे ऑप्शंस बताना जी, और पेशेंट की काउंसलिंग के बाद इट इज ए शेयर डिसीजन जब पेशेंट और डॉक्टर मिलके करते हैं। और क्योंकि रोबोटिक सर्जरी देखा जाए तो बड़ी कॉस्टली सर्जरी भी है, प्राइवेट अस्पताल में आप जाते हैं तो 8-10 लाख का पैकेज का खर्चा आता है जी। लेकिन ये अच्छी बात है, भारत सरकार के द्वारा पहला सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज हमारा सफदरजंग अस्पताल, जहां हमने 3 साल पहले रोबोटिक शुरू किया था, और हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसलिए हमारे यहाँ लोगों को कॉस्ट की वजह से ट्रीटमेंट में सफर नहीं करना पड़ता। तो ये एक अच्छी पहल सरकार ने की है। लेकिन या आपने बिल्कुल सही कहा कि ये डिसीजन शेयर्ड होता है और हम पेशेंट से डिस्कस करके प्रोज एंड कॉन्स बता के ही इसको डिसीजन देते हैं जी। डॉक्टर साहब, अब हम स्टोन की थोड़ा सा हम बात करते हैं। आमतौर पर देखा गया कि गॉल ब्लैडर का जब स्टोन होता है तो जो भी मरीज होता है वो तरह तरह के ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद उसका दर्द बढ़ता चला जाता है, फिर अचानक उसको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले तो ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनता है वो कैसे बनता है, क्या इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है या सामान्य दवाइयों से भी ये ठीक हो सकता है? तो एक हम आपको बताना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन है, ये बड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन है कि किडनी का स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में अक्सर वो कंफ्यूज करते हैं जी। जो किडनी का स्टोन होता है वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के पास आता है, किडनी है, यूरेटर है या ब्लैडर, वो ब्लैडर की हम बात करें, यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब का वो मूत्राशय बोलते हैं। जो गॉल ब्लैडर होता है वो पित्त की थैली होती है और वो उसका काम होता है कि डाइजेशन में हेल्प करना जी। अगर उसमें कोई पथरी बनती है तो उसको जनरल सर्जन डॉक्टर ट्रीट करता है जी। और उसमें हमारे को ट्रीटमेंट अगर करना है तो गॉल ब्लैडर को ही निकालना पड़ता है, अनलाइक किडनी इसमें हम खाली पथरी को निकाल सकते हैं, पर गॉल ब्लैडर में हमें गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है क्योंकि गॉल ब्लैडर एक बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है, इसके वॉल भी बहुत थिन वॉल होते हैं, उसमें हम कोई सर्जरी करके निकाल नहीं सकते, तो उनको हमें पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है जी। इसके बनने के कई सारे कारण होते हैं, बट क्योंकि वो यूरोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो मैं उससे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन में ये मेन डिफरेंस है कि किडनी स्टोन में आप किडनी को बचा सकते हैं अगर सही टाइम पर आप इलाज करा लें, गॉल ब्लैडर में आपको गॉल ब्लैडर निकालना जी पड़ता है। हमारे श्रोता जो है अनुभव पांडे हमसे जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पे दिल्ली से हैं। अनुभव जी, स्वागत है आपका। जी सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार अनुभव जी, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, सर मेरे 2 सवाल है सर। हाँ? सर पहला एक छोटा सवाल है सर कि सर मेरे जो स्क्रोटम का जो एरिया है सर, उसमें सर कभी कभी मुझे पेन होता है लेट से टाइम, और उसकी वजह से जो पेन है वो हल्का हल्का ग्रोइन के साइड भी चला जाता है मेरे लेफ्ट स्क्रोटम के पास। तो मतलब उसका क्या रीजन हो सकता है और मुझे डॉक्टर के पास कब दिखाने जाना चाहिए? और सर सेकंड सवाल यह है कि सर मैं कभी मॉर्निंग में उठता हूँ तो सर मेरे किडनी के पार्ट में सर बैक पेन होता है, मतलब बैक पेन किडनी के साइड में, तो इज इट अ रीजन ऑफ स्टोन या फिर कोई मसल पेन की वजह से ऐसा हो सकता है? आप लाइन पे रहिएगा डॉक्टर अनूप। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि इनके स्क्रोटम में हल्का हल्का पेन रहता है, तो ये बड़ा ही कॉमन बीमारी है आजकल हम पुरुषों में देख रहे हैं। इसके कई कारण होते हैं, एक होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन, एक्यूट अगर पेन है तो एक्यूट इन्फेक्शन माना जाता है, लेकिन क्रॉनिक अगर पेन है, माइल्ड सा पेन है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन माना जाता है उसका कारण। नंबर दो, एक बीमारी होती है वेरिकोसील, जिसमें हमारी वेन्स होती हैं जो स्क्रोटल की ब्लड सप्लाई को ब्लड को लेके जाती हैं हमारे बॉडी के ऊपर, वो फूल जाती हैं जिसको हम वेरिकोसील बोलते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और नंबर थ्री, ये भी हो सकता है कि रेफर्ड पेन हो, बस स्टोन किडनी का नीचे आके नली में फंस जाता है यूरेटर में, उसका पेन हमारा स्क्रोटम तक आता है। तो ये 3 मेन कारण होते हैं जिसके कारण से इनको स्क्रोटम में पेन हो सकता है। तो आप एक डेफिनेटली यूरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिएगा, बड़े सिंपल सा वो टेस्ट करेंगे, एक पहले आपको एग्जामिन करेंगे और फिर कुछ टेस्ट सिंपल से होते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड हम बोलते हैं और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, वो करके ये जो मैंने 3 बीमारियों को नाम बताया उसको रूल आउट कर सकते हैं जी। दूसरा उन्होंने कहा कि इनको बैक पेन होता है, डेफिनेटली देखिए बैक पेन जब होता है इसके कारण किडनी स्टोन भी हो सकता है या ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसके लिए भी जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट के पास, वो एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड करते हैं और स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड में तो क्लियर हो जाता है कि किडनी में स्टोन है कि नहीं, अगर किडनी आपकी नॉर्मल है तो फिर आपको ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना पड़ेगा जी। डॉक्टर अनूप, बच्चों में किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि इनको किडनी से संबंधित या मूत्र से संबंधित कोई बीमारी है इनको?
छोटे बच्चे जैसे हम जानते हैं बहुत छोटे हैं तो वो तो कंप्लेंट करेंगे नहीं, लेकिन हमें उनके आचरण से पता लग जाता है। कोई बच्चा अगर यूरिन करते हैं बहुत ज्यादा रोता है, नंबर वन। अगर हम देख रहे हैं उसका पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा रेड कलर का है, थोड़ा पिंकिश आ रहा है, या उसके यूरिन में बहुत फ्रोदी यानी कि फोम जैसा बन रहा है, जी। उससे पता लगता है कि ये प्रोटीन लॉस हो सकता है उसके यूरिन में, या ब्लड हो सकता है, या आपको इसको यूरिन फाउल स्मेलिंग आ रहा है। माँ देख सकती है कि जो यूरिन बच्चा कर रहा है उसमें फाउल स्मेल आ रहा है। ये सब कारण है कि इसको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा बच्चा कई बार खाना खाते हुए हमेशा दर्द की महसूस करता है और उल्टी आती है उसको, तो दर्द और उल्टी भी जो है किडनी की प्रॉब्लम से संबंधित हो सकता है। जी, दिल्ली से हमारे श्रोता अमित कुमार हमसे जुड़े हैं। अमित जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, अभी 20 जनवरी को मैंने यूरेट्रोस्कोपी कराई थी, 6 mm का स्टोन था अपर यूरेटर में। जी, अभी उसके कुछ दिनों बाद से क्या हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी राइट साइड बॉल जो है ना वो अपर जा रही है, फील होता है कि कुछ मोटा मोटा है, एंड जैसे स्टोन जब हुआ था तो बैक साइड और फ्रंट पेट पर पेन होता था, तो एग्जैक्टली वही लॉक महसूस होता है मुझे। जी डॉक्टर नू, देखिए मैंने बताया कि जैसे आपकी स्टोन की सर्जरी हुई तो उसके बाद नॉर्मली हमें चेक एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि स्टोन फ्री आप हो गए कि नहीं, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन आपके डॉक्टर ने जरूर कराई होगी, क्योंकि वो नॉर्मली हम कराते हैं तो 3 months पे कराते हैं सर्जरी के बाद, जो हमारा एक टाइम लिमिट हमने फिक्स किया हुआ है कि 3 months पे जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें क्लियर हो जाता है कि स्टोन पूरा निकल गया कि नहीं निकल गया। तो अगर आपने नहीं कराया तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखा के एक एक्सरे और या अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, अगर उसमें कोई स्टोन छोटा बच गया है तो उसका ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आपको सर्जरी कराए बहुत टाइम हो गया है तो फिर स्टोन दोबारा से बन भी सकता है। और तीसरा कारण ये देखा गया है कि जब हम स्टोन की सर्जरी करते हैं तो इस एरिया में वो नली थोड़ी सिकुड़ जाती है, इसको फ्रैक्चर बोलते हैं, वो फ्रैक्चर ना बन गया वो भी अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें फ्रैक्चर है कि नहीं। तो एक आप जो जिस डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की थी उसके पास जा सकते हैं और एक अल्ट्रासाउंड एक्सरे करा के देख सकते हैं। जी डॉक्टर अनूप, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, कि ये स्थिति आ ही ना कि स्टोन की स्थिति है या गुर्दे की बीमारी है या किसी अलग तरह की बीमारी है कि हमें यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े? बिल्कुल, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, मैं तो डूज एंड डोंट्स बड़े इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा श्रोताओं को। नंबर वन, आपको जो पानी का इंटेक है, पानी का मतलब लिक्विड्स की मैं बात करूंगा, वो आपको एडल्ट है तो आपको 2 से 3 liter लिक्विड लेना है पर डे, और गर्मियों में आप 3 liter तक जा सकते हैं और सर्दियों में आप 2 liter तक रखें, क्योंकि सर्दियों में हमारी पानी की मात्रा कम जरूरत पड़ती है। अगर आप बच्चे कैटेगरी में आते हैं यानी कि लेस देन 18 ईयर्स, तो उसमें आप 1.5 to 2 liter तक पानी पी सकते हैं, और ऐसे ही बुजुर्ग हैं अगर आप 70 से ऊपर हैं तो भी आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो 1.5 to 2 liters पर डे हो जाता है। इसके अलावा आप अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहें, क्योंकि देखा गया जो लोग अल्कोहल स्मोक करते हैं उनमें ना सिर्फ किडनी कैंसर जल्दी बनता है, उनको किडनी के इन्फेक्शन भी जल्दी हो सकते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और किडनी फेल भी ज्यादा जल्दी उनको होता है। जी, इसके अलावा आप एक्सरसाइज जरूर करें, 30 मिनट्स एटलीस्ट डेली आप एक्सरसाइज करें, और फ्रेश फूड खाना है आपको, प्रिजर्वेटिव नहीं लेना है किसी फूड में, क्योंकि अगर आप प्रिजर्व फूड खाते हैं वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है और आपको कैंसर किडनी का हो सकता है या किसी और ऑर्गन का भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा आपको रेगुलर चेकअप अपना कराना है, अगर आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, क्योंकि ये दोनों बीमारियों से किडनी फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं, और सबसे कॉमन कारण हमारे देश में किडनी फेलियर का डायबिटिक और हाइपरटेंशन ही है। तो अगर आपको दोनों बीमारियों में से एक बीमारी है, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाएं और दोनों बीमारियों को कंट्रोल रखें। डॉक्टर अनूप, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, विशेष राय हमारे साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी धन्यवाद, आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन को दे इजाजत, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के यूरोलॉजी विभाग में प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
airnstalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।